महाराज पर परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी की मंगलमय कृपा का प्रसाद भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। कथा के परम रसिक वक्ता, वैसे हमने यहां बैनरों पे आके पढ़ा तो लिखा था हनुमान कथा, बल्कि चल रही है देवी कथा, लेकिन हनुमान जी भगवती के ही तो पुत्र हैं, देवी के ही तो बेटा हैं। तो आज हम ये भी कह सकते हैं जिनके चरित्र को सुनने के लिए स्वयं साक्षात वीर बजरंग बली पधारे हैं, ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। आहा, क्या कहना, हनुमान जी महाराज का तो कहना ही क्या। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप हो क्या, तो हनुमान जी ने कहा कौशलेंद्र दास हो, हम तो राम जी के दास। और एक बात बोले, राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता है वो पास। और हनुमान जी हर मैटर में पास कैसे, चारों युग परिताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा। धन्य है वीर बजरंग बली जिनका चारों युगों में प्रताप है, ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, दादा गुरु जी को प्रणाम करते हैं, सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते, बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते, हम उनसे प्रार्थना करते आप सब यहाँ पधारो, किसी न किसी रूप में दया करो। विदव व्यास जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, परम भागवत महाराज परीक्षित जी एवं कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों को प्रणाम। साथ ही साथ संतों की भूमि जहाँ नरसिंह महाराज जी जैसे परम संत रहे, भक्ति की भूमि अगर मानी जाए तो वो गुजरात है, और गुजरात में भी अहमदाबाद का क्या कहना, यहां के लोग तो बहुत ऊंचे ही होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं अहमदाबाद के लोग। ऐसी पावन धरती पर हम भी 3 दिन के लिए तुम्हारे प्राण खाने आए हैं, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है, आज और कल के और हैं हम मेहमान, पे चले जाएंगे, तुम्हारे प्राण नहीं खाएंगे। तो आज पहले तो दरबार लगना था, फिर हमारे आयोजकों ने कहा महाराज जी पहले आप कथा सुना दो, फिर इसके बाद में खूब देर तक दरबार लगाना, क्योंकि कथा के चक्कर में दरबार कम हो जाता है, तो आप पहले कथा सुना दो। हमने कहा ये ठीक है, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा दोनों कर देते हैं, 50-50 मामला, क्योंकि खुले में है तो धूप दिन में बहुत होती है, वरना दोपहर में सब काम फ्री हो जाए। कोई बात नहीं, अभी हम भगवती का चरित्र सुन लेते हैं, तो अभी चर्चा करेंगे, चर्चा के बाद फिर पर्चा बनेंगे हैं? तो अभी चर्चा फिर पर्चा। तो ऐसी पावन भूमि अहमदाबाद की रज को भी मस्तक पर लगा करके प्रणाम करते हैं। आज तो अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज तो बड़ा सौभाग्य जागा है, हनुमानगढ़ी अयोध्या से एक विभूति आई, महामंडलेश्वर आचार्य महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज, अभी यहीं विराजमान थे, पीछे तक गए हैं, बहुत बड़ी विभूति हैं। इन्होंने रामचरितमानस फाड़ने वाले का को भी फाड़ने की कोशिश कर डाली। उत्तर प्रदेश में एक तथाकथित आदमी है जो रामचरितमानस को रोड पर जाकर के फाड़ रहा था, और ये इतने खतरनाक महात्मा है कि वो इन्हें फंस गया, एक दिन इन्होंने ठटरी बार दी उसकी। ऐसे महंत श्री आचार्य चरण हम तो पहली बार मिले, लेकिन हिंदुत्व के प्रति इनका वाल देख करके हमें लगा कि अब संतों में ऐसे ही संतों की आवश्यकता है। और पंचमुखी हनुमान मंदिर से परम पूज्य श्री अहमदाबाद के पूज्य आचार्य अखिलेश्वर दास जी महाराज जी भी आज कथा में विराजमान है, महाराज जी के चरणों को भी दंडवत प्रणाम।
राजस्थान से पूज्य श्री मदन मोहन दास जी महाराज जी भी विराजमान है और गुजरात की एक और विभूति बहुत ही अच्छे साधु बलसार वाले पूज्य महाराज जी श्री रामदास जी महाराज जी विराजमान है। आपके तो दो तीन बार दर्शन हो गए, आपके चरणों को भी प्रणाम करते हैं। एवं पूरे ग्राउंड में जहां लाइट है वहां भी लोग हैं, जहां लाइट नहीं भी है वहां भी अगला पगला खड़े हैं। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग बढ़िया श्रवण कर रहे हैं, कुछ लोग VIP बने सोफा पे टंगे, है ना। यही संतुष्टि है कि हम VIP हैं। अच्छा, लेकिन जितना आनंद हमारे तुम्हारे जैसे पागल ले लेते जे नहीं ले पाते। इनकी तरफ कैमरा भी आए तो इनकी मुस्कान पर जबरदस्ती निकल, और अपनी तपनी कैमरा आए ना आए ठहाका लगा ही रहे। लेकिन ये तो विनोद की बात है। तो इस तरफ भी विराजमान है, सामने भी यहाँ के राजपीठ के पूर्व गृह मंत्री जी सांसद महोदय, यहाँ के विधायक महोदय, अन्य गणमान्य यहाँ विराजमान है। आप सब जो जितने भी विराजमान पूरे कोने कोने में प्रांगण में, बहुत भारी प्रांगण है ये, बहुत बड़ा दरबार है, खूब लाखों लोगों को समाहित करने का मैदान है। ऐसे पावन प्रांगण में आप सबको भी हम एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हाँ, सियाराम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। साधु जी सीताराम, अरे जरा जोर से तो बोलो सीताराम सीताराम। अरे इतनी मात्रा में हो, इतने धीमे, जोर से बोलो। हाँ, अब लगा हम गुजरात में बैठे, अभी तो नहीं तो लग रहा था हम जंगल में। आज भगवती के नवरात्रि के पावन पर्व का पंचम दिवस, भगवान की मंगलमयी कृपा हमारे प्रिय श्री कमलाकर राजपूत जी, आपने मन में संकल्प लिया कि कथा होनी चाहिए, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि तीन दिवसीय आस्था का महाकुंभ अहमदाबाद में लग गया। आज जहां तक नजर जा रही केवल पागल ही पागल दिखा रहे, ऐसा लग रहा जैसे अहमदाबाद में भी अध्यात्म का मेला लग गया हो। वरना यहां किसी को गरबा से कहां टाइम, रातों भर यहां गरबा चलता गली गली में घर घर में। लेकिन वाह, धन्य है अहमदाबाद, इससे सिद्ध होता है यहां भक्ति का प्रचार बहुतायत मात्रा में है। बोलो सीताराम।